Assalamu alaikum. Friends, I am Nabeel Hanif and you are watching Eng.English. हम इस लेक्चर नंबर 1 में बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे और उस बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो पहला टॉपिक है वो है द यूज ऑफ इट, इट का इस्तेमाल और उसकी मिसालें। हम अपनी इस क्लास के अंदर सीखेंगे इट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। आज हम द यूज ऑफ इट के अंदर सीखेंगे व्हाट इज इट इटसेल्फ, इट बजाते खुद क्या है। इट का इस्तेमाल तो आपने बहुत पढ़ा होगा कि इट कौन चीज के लिए इस्तेमाल होता है, इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, वेदर के लिए आता है, टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बहुत कम आपने कहीं सीखा होगा या जाना होगा या आपको मालूम होगा कि इट बजाते खुद क्या है। एक नाउन है, एक प्रोनाउन है, एक एडजेक्टिव है या एक जो है वो एडवर्ब है। दूसरा हम आज के टॉपिक में सीखेंगे एक के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, ठीक है। बहुत सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो करेक्शन का क्वेश्चन आता है उसमें अमूमी तौर पर इट के साथ करेक्शन दी जाती है और उसको करेक्ट बताना होता है कि आया इट के बाद जो वर्ब है वो किस तरह से आएगा। फिर तीसरा जो हम इसमें जानेंगे वो ये है कि इट के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा या ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो है अमूमी तौर पर सवाल पूछे जाते हैं या दीगर जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए उसमें भी ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। फिर इट कहाँ कहाँ यूज होता है यानी जो इट का अमूमी इस्तेमाल है वो जो है वो हम जानेंगे। नाज़रीन, अभी तक हमने जो कवर किया है वो ये किया है कि हम आज के मौजू में क्या क्या सीखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर न्यू वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आप इससे बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है उसको सीख सके। आप सीखते हैं जो हमारा पहला मौजू था व्हाट इज इट इटसेल्फ, इट बजाते खुद क्या है। इट ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला। तो यहाँ पर हम इट का एक बहुत इब्तिदा से यूज करते आ रहे हैं कि इट जो है वो बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि इट जो है वो बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये प्रोनाउन है, इससे पहले एक नाउन का आना जरूरी है जिसकी जगह पर जो है वो इट इस्तेमाल होगा। जैसे कि हम कहते हैं This is a book. This is a book. It is on the table. ये एक किताब है जो कि टेबल पर है। ये किताब है और ये टेबल पर है। This is a book and it is on the table. आप बुक की जगह पर जो है हमने इट को इस्तेमाल किया है तो इट जो है ये हमारा प्रोनाउन है, ठीक है। इसको हमने इट की जगह पर, बुक की जगह पर जो है इसको इस्तेमाल किया। तो ये हमारा पहला टॉपिक था कि व्हाट इज इट इटसेल्फ, इट बजाते खुद एक प्रोनाउन है, इसको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस इज अ बुक एंड इट इज ऑन द टेबल, यानी इससे पहले एक नाउन का आना जरूरी होता है। नंबर टू, इट के बाद हम हमेशा से जो यूज करते हैं वो सब्जेक्टिव केस जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज He who brought the
पेन, यही है वो जिसने पेन को तोड़ा, यानी जो यहां पर इट के बाद इस्तेमाल किया हमने वो ही क्या सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया है। अमूमी तौर पर यू किया जाता है कि इट इज हिम हु ड्रॉप द पेन, यही है वो जिसने पेन को तोड़ा। लेकिन इस सूरत में यहां पर हमने इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है उसको इस्तेमाल किया है, जो कि गलत है, और अमूमी तौर पर यही जो है हमें कंपिटेटिव एग्जाम में या करेक्शन के सेंटेंसेस के अंदर जो है वो दिया जाता है कि इट के बाद जो है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमने इट के बाद जो है हमेशा से जो है वो सब्जेक्टिव केस जो है उसको इस्तेमाल करना होता है। अब सीखते कि इट जो है इसको और कहां इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इट को हम वक्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपने बहुत सी जगह पर बहुत सी क्लासेस में ये सीखा होगा कि इट जो है ये वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, ये आवर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये वीक के लिए इस्तेमाल होता है, ये ईयर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हम इसको बहुत ही ज्यादा आसान कर लेते हैं कि इट जो है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टाइम। अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो टाइम जो है इसका बेसिक यूनिट या बेस यूनिट जो है वो इसका होता है सेकंड। अब आप इसको देख लें, सेकंड, सेकंड के बाद मिनट्स, ठीक है, उसके बाद आवर्स, डे, वीक, इयर्स, ये सारी चीजें टाइम है। ठीक है, तो हम इजीली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज मंडे, आज मंडे है, इट इज मंडे टुडे। इसको ट्रांसलेट करते हुए अमूमी तौर पर यह गलती हो जाती है कि लोग इसको ट्रांसलेट क्यों करते हैं, टुडे इज मंडे, जो कि एक रोंग सेंटेंस है। जब भी वक्त की बात होगी तो हम फिक्रे का आगाज जो है वो इट से करेंगे। इसी तरह से इट इज ट्यूसडे, इट इज सैटरडे, इट इज फ्राइडे, जब भी वक्त की बात होगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वक्त के बाद हम इसको यूज कर सकते हैं वेदर के साथ। जब भी वेदर की बात होगी तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इट इज फाइन टुडे, इट इज ब्लोइंग हार्ड, ठीक है, इट इज फाइन टुडे, इट इज प्लीजेंट वेदर, इस तरह के जितने भी जुमले हैं जिनका ताल्लुक वेदर के साथ है उनका आगाज भी हम इट के जुमलों से करते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको आपने सीखा, द यूज ऑफ इट।